Hallelujah. Do you believe in Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं? Amen. I don't see any energy. Do you really believe in Jesus Christ? Hallelujah. अंकल जावेद गिल हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान में कलाम नहीं कर रहा, मैं जिंदा लोगों में कलाम कर रहा हूँ। तो वो एनर्जी और वो पुख्तगी हमें नजर आनी चाहिए। Yes. Let's be alive in Jesus Christ. आए आज हम यीशु में जिंदा हो जाएं, तरोताजा हो जाएं। Apostle Paul says, "Dead in sin and alive in Christ." पौलुस रसूल कहते हैं कि गुनाहों में मर जाओ और यीशु में जिंदा हो जाओ। Praise the Lord. खुदावन की तारीफ हो। Let's pull up Mark, the Gospel of Mark. आइए आज हम खुदावन के बाबरकत कलाम में से खोलेंगे मरकस की अंजील। Chapter 2. उसका दूसरा बाब। Verse 5. Till 11. उसकी 5वीं आयत से 11वीं आयत तक। Go ahead. खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से आज हम खोलेंगे मरकस की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत से 11वीं आयत तक। और खुदावन के कलाम में कुछ यूँ मरकूम है। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूस से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। मगर वहाँ बास फकिया जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ़ कर सकता है। और फ़ी अल्फौर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूँ सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो। आसान क्या है मफलूस से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूस से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठा कर अपने घर चला जा। और वो उठा और फ़ी अल्फूर चारपाई उठा कर उन सब के सामने बाहर चला गया। चनाचा वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत ठहरे। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। Praise the Lord. खुदा उनकी तारीफ हो। This is one of the most effective and beautiful event by Jesus Christ. ये एक जितने भी खूबसूरत और इफेक्टिव मतलब के असर रखते हैं उनमें से एक मजमून है यीशु मसीह का। Do you know that at this time Jesus was preaching in a house which was filled with a lot of people? क्या आप जानते हैं कि इस वक्त जो है खुदावन यीशु मसीह जो है वो कलाम कर रहे थे एक ऐसे घराने में जो कि भरा हुआ था बहुत सारे लोगों से। It was probably Peter's house, but it was filled to the door. ये शायद जो है वो खुदावन के लीडर से जो है घर भरा हुआ था, लेकिन खुदावन यीशु मसीह भी वहाँ पर थे और दूसरे लोग भी वहाँ पर थे लीडर्स के अलावा भी। And he was preaching the word of God to all the people. और वो खुदा का कलाम जो है वो बांट रहा था जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उनके साथ। He was preaching with authority. वो एक authority के साथ जो है वो उस कलाम को preach कर रहा था। He was already a famous man because he healed 1,000 people. वो वैसे ही जो है वो एक बहुत ज़्यादा जो है वो famous इंसान था जिसके पास authority थी कलाम को preach करने की। And something outstanding took place at that house. और कुछ जो है वो समझ से बाहर हुआ और बहुत जबरदस्त हुआ वहाँ पर उस घर के अंदर। Guess what? There were four friends that were lifting up a paralyzed man on a bed. वहाँ पर जो है वो चार लोग थे जो कि एक पैरालाइज जो अपाहिज इंसान था उसको जो है वो उसके बिस्तर से उठाने की कोशिश कर रहे थे। Don't know from how far they were coming, but they had the belief in God through Jesus Christ. ये नहीं मालूम कि वो कहाँ से आए थे, पर उनके पास ईमान की एक पुख्तगी थी जो उनको यीशु ने दी थी कि आज कोई काम होगा वहाँ पे। And when they reached the house where Jesus was, और जब वो वहाँ पर पहुँचे जहाँ पे खुदावन यीशु मसीह मौजूद थे, they couldn't find themselves going in because the house was full. Sorry? They couldn't go in because the house was full. वो अंदर नहीं जा सके थे क्योंकि घर जो है वो बहुत भरा हुआ था। They went on the roof and they tore the roof and they entered where exactly Jesus was standing. Hallelujah. वो गए उस घर के छत पर और एग्जैक्टली उसी जगह पर वो पहुंचे जहां पर यीशु मसीह मौजूद थे। And when Jesus saw their faith, he looked at the paralyzed man and he said, "Son, your sins are forgiven you." हालेलुया। और जब यीशु ने उस इंसान को देखा जो अपाहिज था, बिस्तर पे पड़ा हुआ था, खुदा ने कहा कि बेटे उठ, तू आज अपने गुनाहों से रिहाई पाएगा। Two things to note. दो चीजें यहाँ पर आज हमें जो है ज़ेरे गौर करनी है। Jesus saw their faith. खुदावन यीशु मसीह ने उनका ईमान देखा। And he said, "Son." और उसने कहा बेटे। Your sins are forgiven. हालेलुया। उसने कहा कि तुम्हारे गुनाह आज माफ हो गए। Only Jesus knew where that man was coming from. ये सिर्फ यीशु जानता था कि वो आदमी कहाँ से आया है। That paralyzed man felt very hopeless lying on the bed. वो जो अपाहिज इंसान था वो उस वक्त ना उम्मीद था जब वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था। Their friends, his friends were pushing him. No, we gotta go and to this man of God, and he will heal you. और उसके फ्रेंड्स उसको बकायदा तौर पे फोर्स कर रहे थे, उसको ये मोटिवेशन दे रहे थे कि नहीं, हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह है जो तुम्हें आज शिफा देगा। And the Spirit of God was working in Jesus. और जो खुदा का रूह है वो यीशु में काम कर रहा था। And he knew where he was coming from and he had compassion on him. और वो जानता था कि वो कहां से आया है और एक जोर और एक जो है जुनून था उसके अंदर शिफा देने का। His sins were supposed to be forgiven that day. और उसका जो गुनाह है वो उस दिन माफ होना ही था। All of us need our sins to be forgiven. हम सब के गुनाह जो हैं वो आज माफ होने चाहिए। We have to believe that Jesus can forgive sins. हमें ये भरोसा रखने की जरूरत है कि यीशु मसीह जो है वो गुनाह को माफ कर सकता है। Because the scribes sitting there were reasoning in their hearts. Sorry? The scribes, the Pharisees were reasoning in their hearts. अच्छा, जो वहाँ पे फरीसी बैठे हुए थे उनके दिलों में जो है वो एक वजह थी कि खुदावंद यीशु मसीह आज काम करेगा। They said, "Why does this man speak blasphemy like this? Who can forgive sins but God alone?" वो लोग हैरत पसीर थे और हैरान कर रहे थे कि ये यीशु जो है वो कैसे आज गुनाह माफ कर सकता है। But immediately, this is verse 8. But immediately, when Jesus perceived in his spirit that they reasoned within themselves. और यहाँ पर 8वीं आयत में ये लिखा हुआ है, खुदा के और फी अल्फूर, मतलब कि जल्दी यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूँ सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? He said, which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven you, or to say, arise and walk? उसने कहा, आसान क्या है मफलूस से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. हालेलुया। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। My dear friends, that day Jesus proved to the world that he can forgive sins. हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, उस दिन जो है खुदावंद यीशु मसीह ने ये प्रूव किया कि वो गुनाह माफ करने का इख्तियार रखता है। Today he is reminding you that again. आज वो फिर से आपको यही यकीन दहानी करवाना चाह रहा है। And just so the Pharisees and everybody had no doubt. और ये देखें कि जो है जो फरीसी थे और जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे उनके पास कोई शक नहीं था। He said that you may know that Son of Man has power on earth to forgive sins. उसने ये कहा कि आप लोगों को ये जानना ज़रूर है कि जो खुदा का बेटा है वो उसके पास ये इख्तियार है कि वो गुनाहों को माफ़ कर सकता है। He was very clear and he was very bold with his words. वो बिल्कुल जो है अपने जो वो उनको कह रहा था वो उसमें कॉन्फिडेंट था और क्लियर था। And he said to the paralytic, I say to you, arise, take up your bed and go to your house. Which verse is this? This is verse 11. और 11वीं आयत में उसने ये कहा कि मैं तुझसे ये कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। Verse 12. Immediately he arose, took up the bread and went out in presence of them all. और वो उठा और फी अल्फुर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। And so that all were amazed and glorified God and said, we never saw anything like this before. चनाचा वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। Praise the Lord, everybody. खुदावन की तारीफ हो, तालियां। Let's clap hands. Hallelujah. I want to remind you of this verse. मैं आपको इस एक जो आयत है उसके बारे में भी थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूँ। Romans chapter 3 verse 23 and 24. जिसको भी whoever wants to pull out, please go ahead. रोमियो उसका which chapter? 3. Chapter 3 verse 23 and 24. 23वीं और 24वीं आयत. I will read. Yeah. For all men have sinned. For all men have sinned and missed the shining greatness of God. Anyone can be made right with God by the free gift of God of his loving favor. It is Jesus Christ who bought them with his blood and made them free from their sins. Amen. रोमियो उसका 3 और उसकी 23वीं और 24वीं आयत में ये लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रासपास ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदा मंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। आमीन 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 आमीन। So I want to remind you that it's not only it's the sin that has the punishment of death. मैं आपको ये याद करवाना चाहता हूँ कि ये वो गुनाह है जिसकी जो सजा है वो मौत है। And Bible says the wages of sin is death. खुदावंद का कलाम ये कहता है कि गुनाह का जो हिसाब है वो सिर्फ और सिर्फ मौत है। But through the gospel of Jesus Christ, लेकिन अंजील के मुताबिक यीशु मसीह ने ये फरमाया है कि we have a chance to be freed from our sins. हालेलुया, कि हमारे पास ये मौका है कि हम अपने गुनाहों से रिहाई हासिल कर सकते हैं। And it is the unforgiven sin that will take you to hell. और ये वही गुनाह है जो हमें जो माफ नहीं किया जाता वो हमें हेल की तरफ, जहन्नुम की तरफ लेके जा सकता है। Everybody is a sinner, but whoever sin is forgiven will go to heaven. Amen. हम सब यहाँ पे गुनाहगार होते हैं, लेकिन जिनके गुनाह माफ किए जाते हैं वो जरूर जो है फिरदौस में जा सकते हैं। Those who will lift up their faith and go to Jesus Christ will be forgiven. Amen. जो अपने ईमान को बढ़ाते हैं और यीशु मसीह के पास जाते हैं उनके गुनाह माफ किए जाते हैं। Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And just so that you believe it and you feel that's true, we're going to pull up a verse. Sorry? Just so that for believing, yeah. We're going to pull up Exodus 34. Okay. आप सबकी ईमान के लिए और आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाए, हम पढ़ेंगे खरूज उसका कौन सा बाप? 34. अच्छा, खरूज उसका 34वां बाप। Verse 5 onwards. 5वीं आयत से। Now the Lord descended in the cloud and stood with them and proclaimed the name of the Lord. Can you read? Okay, just 5 verse. You repeat after me. Okay. फिर उसका 34वां बाप और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तब खुदावन अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहाँ खड़े होकर खुदावन के नाम का ऐलान किया। And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth. और खुदावन उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावन खुदावन खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी। हालेलुया, हालेलुया। This is your God. Who is your God? कौन है आपका खुदा? ये है आपका खुदा जो रहम करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है। The verse 7 is, he keeps mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and children. 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगी, गुनाह और तकसीर और ख़ता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हम हरगिज़ बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सज़ा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुरुष तक देता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Now we'll go to the good news. Okay. We'll go forward to the good news. अब हम खुशखबरी की तरफ जाएंगे। Do you believe in good news? क्या आप खुशखबरी पर ईमान रखते हैं? Do you believe that your sins can be forgiven through Jesus Christ? क्या आप भरोसा रखते हैं कि यीशु मसीह के थ्रू आपके गुनाह माफ किए जाएंगे? Do you believe that you can be free from your sins forever? Hallelujah! क्या आप ये भरोसा रखते हैं कि आप उन गुनाहों से हमेशा के लिए रिहाई पाएंगे? Praise the Lord, because our Jesus Christ, who's alive, He is willing to forgive sins. खुदावंद की तारीफ हो क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो आज जिंदा है, वो जरूर हमारे गुनाह माफ कर सकता है। I have many verses, but I just talked to you about Exodus 34 because that's when God appeared in front of Moses and spoke. मेरे पास आज बहुत सी जो है आयात हैं, लेकिन आज मैं खरूज उसका 34वां बाब और उसकी इसी वर्स पे जो है ध्यान दूंगा, क्योंकि खुदावंद ने जो है मूसा से भी ये कलाम किया था। And I want to remind you that Jesus died in a place on the cross while he was not a sinner. Wow! आपको ये याद करवाना चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि बेगुनाह था, लेकिन फिर भी वो मुआ गया था। Because the prophecies had to come true. क्योंकि जितनी भी नबूवतें की गई थी उनका सच होना जरूर था। His last words were, "It is finished." उसका जो आखिरी कलाम था वो था कि तमाम हुआ। Because the plan of salvation was fulfilled that day. ये निजात का एक मंसूबा था कि उस कलाम को जो है वो एक दिन पूरा होना था। And my Lord was risen on the third day for all of us. Hallelujah! और हमारा खुदावंद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। Hallelujah! Yes. And when he rose again, he lifted the death. When he was risen, he broke the death. Hallelujah! जब वो जिंदा उठ चुका था, तो फिर मौत का जो है वो हुक्म खत्म हो चुका था। Hallelujah! The wrath of God was justified. The wrath of God was justified. और जो खुदावन ने कहा था, वो जो है पूरा उस वक्त हुआ था नविष्टा। The wrath is probably the anger, anger. Anger. गुस्सा? Yes. अच्छा, सही है. Okay. Okay. So you can also study this. The wrath of God was justified because the Lamb was on the cross. खुदावन का जो गुस्सा था उस वक्त justified हुआ था, मतलब कि हम justice कहते हैं ना कि इंसाफ हुआ था उस गुस्से का, जब खुदावन का बर्रा जो है वो सलीब पर था। There is no way that Jesus or God can tolerate sins. Sorry. There is no way that God can tolerate sin. यहाँ पे कोई भी ऐसा खुदा नहीं है जो कि sins को जो है गुनाहों को जो है बर्दाश्त कर सके। But the love of God is greater than your sin. Hallelujah! लेकिन खुदा की मोहब्बत हमारे गुनाहों से भी बड़ी है। Hallelujah! Praise the Lord. My sin was great, but His love was greater. My sin was great, but His love was greater. मेरा जो गुनाह है वो बड़ा होगा, लेकिन उसकी जो मोहब्बत है वो लामहदूद है, उससे भी ज़्यादा बड़ी है। That's why He met the paralyzed man and He said, "Son, your sins are forgiven you." इसलिए उसने उस वक्त कहा कि बेटे तेरे आज गुनाह माफ होंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावन की तारीफ हो। खुदावन की तारीफ हो। Praise the Lord. Amen. And I'm telling you the truth. Everybody is a sinner, but we need to be forgiven from our sins. मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि हम सब गुनाहगार होते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम अपने गुनाहों से रिहाई पाएं। I'll just talk about myself. मैं अपने बारे में बात करूँगा। Maybe Zeresh also did not know that I was going to preach today. Sorry. Maybe you also did not know that one day we were going to preach together. हो सकता है मुझे भी ज़रिश को भी ये मालूम ना हो कि हम दोनों साथ में कभी प्रीच करेंगे। Because I was very bad sinner once. क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा गुनाहगार इंसान था पहले। Now I have been washed and got much better. हालेलुया! लेकिन आज मैं खुदावन के लहू से जो हूँ वो धोया गया हूँ और मैं बेहतर हो गया हूँ। And the Lord spoke to me to go speak to His people. और खुदावन ने मुझसे बात ही की, जाओ और मेरे लोगों से बात करो। The Lord is in control. खुदावन जो है वो कंट्रोल में है। The Lord wants to forgive your sins. खुदावन ने हमें हमारे माफ करने थे। The Lord has compassion on you. खुदावन के पास जो है वो एक जुस्तजू थी कि वो हम सब से हम कलाम हो। He is slow to anger. वो गुस्सा करने में धीमा है। But then again. लेकिन फिर भी। We need to stop and come to Him. हमें रुकने की जरूरत है और उसके पास आने की जरूरत है। Let's look at verse 5. Mark 2 verse 5. मरकज़ की इंजील उसका दूसरा बाप और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। When Jesus saw their faith, he said, "Son, your sins are forgiven you." When Jesus saw their faith, यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूस से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। So today we need to increase our faith. Today we need to increase our faith. आज हमें अपने ईमान की पुख्तगी को और बढ़ाने की जरूरत है। How you can do that? आप ये कैसे कर सकते हैं? By listening to the word of God. इस कलाम को सुनने के हवाले से। By studying the word of God. इसको पढ़ने के हवाले से। By fellowship with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ रफाकत रखने से। And the Bible says. और बाइबल ये कहती है। If you believe in your heart. अगर आप अपने दिल में ये भरोसा रखते हैं that Jesus Christ died for my sins, कि खुदावन यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मरा था, and he was raised by the Spirit of God, और वो जिंदा हुआ था खुदा की रूह से, you will be saved, आप बच जाएंगे। Praise the Lord, खुदावन की तारीफ हो। May the love of God and the blessings of the Holy Spirit be with you all. खुदावन का ग्रेस, उसकी मोहब्बत और उसकी बरकतें आप सबके साथ हों। आमीन। आमीन। Thank you. Thank you so much. हम सब इस वक्त ज़िंदा पाक कलाम भाई मारियो से